अगर गुरुजी परमानेंटली बाहर आ जाएं तो हम दावे से कह सकते हैं कि हर महीने कम से कम लाखों की तादाद में हैं जो लोग बुराइयां छोड़ेंगे, नशे छोड़ेंगे और घर के घर, परिवार के परिवार स्वर्ग बन जाएंगे सभी के। नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। इस वक्त पहुंचे हुए हम डेरा सच्चा सौदा सिरसा आश्रम के अंदर, जहां पर हम देख रहे हैं सुबह से ही काफ़ी भारी तादाद में डेरा के श्रद्धालुओं का आना लगा हुआ है। क्या वजह है, किस वजह से लोग आज इतनी भारी तादाद में आ रहे हैं, बातचीत करते हैं यहाँ पर आने वाले लोगों से। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दर्शन सिंह, दर्शन मोहाली है। मैं एक्स चेयरमैन मार्केट कमेटी चंडीगढ़ हूँ जी। सर आपका नाम? दीदार सिंह है जी, मैं चंडीगढ़ राम हलो माजरा से हूँ जी। सर हम देख रहे हैं कि सुबह से ही काफ़ी भारी तादाद में आज डेरा श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या प्रोग्राम है, किसके तहत आज इतनी भारी तादाद में जो श्रद्धालु आ रहे हैं? जी ऐसे है, आज हमारे सतगुरु का जन्मदिन है जी, संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान का जी। तो उसी लक्ष्य में जितनी भी संगत आ रही है उसकी खुशी में सारी संगत चाव से उमड़ के आ रही है, पूरे दिलो ईमान से सतगुरु का जन्मदिन मनाने के लिए। और जो हमें मानवता भलाई के कार्यों के लिए गुरुजी द्वारा प्रेरित किया जाता है, जैसे कि कल पौधारोपण का 14 अगस्त था, तो उसमें सभी साध संगत ने पौधारोपण किया। पौधारोपण करके उसके बाद आज का दिन होता है जो सतगुरु का जन्मदिन मनाया जाता है, उसमें भी बहुत सारे भलाई के कार्य किए जाते हैं। तो उसी उपलक्ष्य में हम भी आए हैं संगत के साथ जी, एक अनमाने सेब की तरह जी 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 जी। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, किस तरह से अपने, जो आपने बताया कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी का जन्मदिन है, तो किस तरह से आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या क्या आज काम किए जाएंगे? सबसे पहले तो हमारे सतगुरु के जन्मदिन पे सारी सत्संग को लाखों लाखों बार, करोड़ों करोड़ों बार बधाई हो। और आज हमारे स्वतंत्रता दिवस भी है, उसी उपलक्ष्य में हमारे गुरुजी ने हमारी साध संगत को सबको संदेश दिया है कि सबसे पहले हमने एक जो झंडा है, हमारे देश का स्वतंत्रता झंडा है, वो अपने घरों पर हर जगह लहराना है। उसका काम करते हुए हम गुरुजी के जन्मदिन को मनाने के लिए डेरा में पहुंचे हैं, और उनके द्वारा जो भी कार्य चल रहे हैं उनके द्वारा हमारे को बताए गए कार्यों पे हम हमें हर एक में हिस्सा लेते हैं। पौधारोपण करना और भलाई के कामों में हिस्सा लेना, उन्हीं उपलक्ष्यों के बारे में हम यहाँ पे सब पहुँचे हुए हैं और वो करेंगे जी जी। जो सर डेरा के अंदर किस धर्म की शिक्षा दी जाती है, डेरा के अंदर गुरु जी किस धर्म की शिक्षा देते हैं, किस धर्म के लोग आते हैं? ऐसे है, गुरु जी जो शिक्षा देते हैं वो सर्वधर्म संगम की शिक्षा देते हैं। यहाँ पे कोई स्पेशल धर्म नहीं है, ये सभी धर्मों का साझा दरबार है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैनी सभी लोग यहाँ पे आते हैं, और सभी का एक ही मोटिव है कि गुरुजी के चरणों से जुड़ के उनकी जो शिक्षा है, जो बताते हैं वो, कि मानवता भलाई के, मेरे ख्याल अब तो 154 कितने कार्य हो चुके हैं, काफ़ी हो चुके हैं जी। तो वो सभी मानवता भलाई के कार्यों के लिए हमें प्रेरित किया जाता है गुरुजी द्वारा। तो हम सारी साध संगत है जो उस कार्यों पर चलती है और वो सेवा के कार्य करते हैं, दिलो जान से करते हैं। जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, पेशेंट को किसी को ब्लड की ज़रूरत है, रात को फ़ोन आ जाता है तो रात को ही वहाँ पे चले जाते हैं ब्लड डोनेशन करने के लिए। किसी गरीब लड़की की शादी होती है उसके लिए पूरे दिल जान से काम किया जाता है। किसी पेशेंट के लिए दवाई की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, जितना भी जो साध संगत अपने बिच से कर सकती है, अपनी जेब से कर सकती है। ब्लॉकिंग ब्लॉक होते हैं, पूरे के पूरे ब्लॉक बने हुए हैं इस कार्य के लिए, और लाखों की तादाद में वो सेवादार हैं जो ये कार्य करते हैं। जैसे सफाई अभियान चलते हैं जी, सफाई अभियानों में आपने देखा होगा कि लाखों की तादाद में साध संगत जाती है वहाँ पे, और मिनटों में इतने गंदे शहर होते हैं कि उनको ऐसे सोने की तरह चमका दिया जाता है, इतनी मेहनत करते हैं। और जैसे कि पंछियों के लिए दाने डालने, कटोरे पानी के रखने उनके लिए, और भी बहुत सारे अनेकों कार्य हैं जो संगत द्वारा किए जाते हैं और किए जा रहे हैं। सर जैसा कि आप बता रहे हो कि इतने मानवता भलाई के काम डेरा के द्वारा किए जा रहे हैं, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम सिंह इंसा जी करवा रहे हैं, तो फिर क्यों उनके ऊपर इतना टारगेट किया गया, क्यों उनके ऊपर आरोप लगाए गए, वो तो समाज का भला कर रहे थे। सर ऐसे होता है, जब कोई भी गुरु संत पीर फकीर इतनी ऊँचाइयों को छू लेता है, प्राप्त कर लेता है, इतनी लाखों करोड़ों के साथ संगत उनके साथ जुड़ी हुई है, तो जो बुराई के नुमाइंदे होते हैं तो उनका भी अपना कार्य होता है जी, और उनको भी संतों ने ही काम पे लगाया होता है, अंदरूनी रूहानियत के तौर पे, अंदर की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये दिमागी बात नहीं है जी जी। उनको भी संतों ने अपने कार्य पे लगाया होता है, कि जो गुरु नानक देव जी थे उन्होंने बोला था कि जो निंदक हैं वो उजड़ जाएं जी, चले जाएं जी, और जो अच्छे कार्य करने वाले थे वो बसे रहें, ताकि निंदा करेंगे जाके, निंदा करने से जिन लोगों को गुरु जी के बारे में नहीं पता
उनको ही पता चलता है कि हाँ भी संत गुरमीत राम हरी सिंह जी इंसान कौन है, क्या कार्य करवाते हैं जी। तो वो लोगों को एक तरह से संगत के साथ जोड़ने का ही काम करते हैं। जितना वो जोर तोड़ने के लिए लगाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा संगत है जो डेरे के साथ जुड़ जाती है। हर बार में ऐसा होता है, पिछला भी आप देख लो जी। पहले गुरु जी बताया करते थे कि संडे को नाम शब्द लेने वाले जो जीव होते थे वो 10,000 होते थे, 20,000 होते थे। जैसे जैसे ये कार्य चलता गया निंदकों का, बुराई का, तो संगत जो नाम लेने वाली भी थी उसकी भी गिनती दिन दुगुनी रात चौगुनी 50,000 लाख लाख की संगत होने लगी जो नाम लेने वाली थी। ये हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है जी। जी सर, अभी कुछ समय पहले एक महीने के लिए सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी पैरोल पर बाहर आए, तो उनका पैरोल पर बाहर आना समाज के लिए कितना फ़ायदेमंद रहा? सर मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण दूंगा उसके बारे में। अभी गुरु जी सिर्फ 30 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर आए थे जी। 30 दिनों में ही उन्होंने मतलब ऑनलाइन गुरुकुल शुरू किया, सत्संग शुरू किए, नाम शब्द देना शुरू किया। आप यकीन नहीं करोगे कम से कम भी 15 लाख लोगों ने इन दिनों में नाम शब्द लेके अपनी जो बुराइयाँ थी, नशे थे, बुरे कर्म करते थे, वो सारे के सारे छोड़ के गुरु जी के चरणों में जुड़े और सेवा कार्यों में वो लग चुके हैं लोगों। इतना भलाई का मतलब कार्य एक महीने में हो गया। अगर गुरु जी परमानेंटली बाहर आ जाएँ तो हम दावे से कह सकते हैं कि हर महीने कम से कम लाखों की तादाद में हैं जो लोग बुराइयाँ छोड़ेंगे, नशे छोड़ेंगे और घर के घर, परिवार के परिवार स्वर्ग बन जाएंगे सभी के। ओके, लास्ट में हमारे माध्यम से गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? हम गवर्नमेंट से ही अपील करना चाहेंगे कि जैसे गुरुजी इतने अच्छे कार्य संघ से करवा रहे हैं, आप खुद भी करते हैं, वो अपनी जेब से भी मतलब जो अच्छे कार्यों के लिए अपनी जो कमाई है उनकी देते रहते हैं उसमें से भी, तो उनको जितनी जल्दी हो सके समाज में वापस भेजें ताकि लोगों के लिए अच्छे कार्य वो जो करवा रहे हैं और ज़्यादा प्रगति से तेजी से होएं और समाज का और जल्दी से भला हो। हमारी यही सरकार से अरदास है। थैंक यू सो मच सर। तो ये समाज के रहने वाले लोग किस तरह से बता रहे हैं कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी मानवता के सच्चे पुजारी हैं, जिन्होंने वेश्याओं की शादी करवाई, समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई है, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या हो, चाहे गरीबों को राशन बांटना हो, गरीबों को मकान बना के देना हो, और भी जो सामाजिक कुरीतियाँ उन सबको ख़त्म किया। और ये लोग मांग कर रहे हैं कि समाज के लिए सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की बहुत ज़्यादा जरूरत है। समाज में जब से वो गए हैं 5 साल के अंदर समाज में नशा बढ़ता जा रहा है, रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं और भी बहुत सारी कुरीतियाँ हैं बढ़ती जा रही है, उन सबको रोकने के लिए, समाज को अच्छी सेहत देने के लिए ये लोग मांग कर रहे हैं जल्दी से जल्दी सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी को समाज के बीच लाया जाए। आपके क्या विचार हैं वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताएं। सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते रहे, जुड़े रहे द फैक्ट के साथ। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।